अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 9 में हम पेज नंबर 153 डिस्कस करेंगे. लेट्स ओपन द पेज. जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ पेज नंबर 153 एंड आवर टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस. इससे पहले स्टूडेंट्स पेज नंबर 148 पर हम मेजरमेंट कर चुके हैं वेट की, यानी मास की. उसके लिए हमने यूनिट यूज़ किया था, आपको याद होगा, किलोग्राम या ग्राम. इसी तरह हमने लेंथ और डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए यूनिट्स जो हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. जी, यूनिट्स हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, क्यूबिट, स्ट्राइड, हैंड स्पैन एक्सेट्रा. ओके, इनमें से कुछ यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं और कुछ यूनिट्स नॉन स्टैंडर्ड हैं. जो मैंने अपर लाइन पर यूनिट्स राइट किए हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड यूनिट हैं. स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, जो नीचे मैंने लाइन पर यूनिट्स राइट किए हैं वो हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. अब आप कह रहे होंगे कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. स्टैंडर्ड यूनिट वो होते हैं स्टूडेंट्स जो जिनकी लेंथ जो है वो सेम रहती है. आप किसी भी टूल को यूज़ कर स्केल को यानी मीटर सेंटीमीटर को किसी भी टूल से यूज़ करेंगे तो वो रिमेन फिक्स रहेंगे, उनकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी. बट अगर हम क्यूबिट, स्ट्राइड, हैंड स्पैन वगैरह यूज़ करें तो वो इनकी लेंथ जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी. जैसे यहाँ पर मेरे पास देखें, मैंने अगर मेजरमेंट करनी है सेंटीमीटर में तो मैं अपना स्केल यूज़ करूँगी. ठीक है, इसी तरह आपसे भी मैं कहूँगी कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट करने लाइन की, तो आप भी अपना स्केल यूज़ करेंगे. अब मैं कहूँगी कि 5 सेंटीमीटर तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है. जैसा कि ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने 0 से 5 तक मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. ठीक है, अब इसी तरह आप मुझे फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे. अब देखें, अब मैं आपकी और अपनी लेंथ की मेजरमेंट करूँगी तो हमारी, आपकी और मैं, तो स्टूडेंट्स आपकी लेंथ आपने जो ड्रॉ की और जो मैंने लाइन ड्रॉ की, उन दोनों की लेंथ जो है वो सेम रहेगी. ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपना हैंड स्पैन यूज़ करें और इस पेज की लेंथ को मेजर करें. ठीक है, मैं अपना हैंड स्पैन यूज़ करती हूँ तो मेरा आएगा सम अबाउट 1.1¾. ठीक है, इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस शीट की लेंथ को मेजर करें तो आपके आई थिंक 2½ हैंड स्पैन यूज़ होंगे. तो इसकी आपके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2½ हैंड स्पैन. ठीक है ना, और जब मैंने इसकी लेंथ मेजर की तो इसकी थी 1¾, दैट इज इक्वल टू 1.7. ठीक है, अब यही मेन डिफरेंस है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में. यानी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो चेंज नहीं होते. ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहते हैं इनकी लेंथ. आप कोई सा भी स्केल ले लें, ये वाला स्केल ले लें अपना, कोई सा भी 2 से 3 टाइप के स्केल यूज़ करके देख लें, इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, सेम रहेगी. आप जो उनसे मर्जी स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें. ठीक है, दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द टूल्स दैट आर यूज टू मेजर स्टैंडर्ड यूनिट्स, लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. जी सबसे पहले बेसिक, जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम दिस मेन टूल यूज़ करते हैं स्केल है. ठीक है, आपने टेलर को देखा होगा, वो इस तरह की कुछ टेप यूज़ करता है लेंथ को मेजर करने के लिए. ठीक है, और क्लोथ्स मर्चेंट को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसके पास एक मीटर रॉड होती है, उस मीटर रॉड के हेल्प से लेंथ को है वो मेजर
जी स्टूडेंट्स, इसी तरह मेरे पास एक मेजरिंग टेप है जिसके हेल्प से हम सेंटीमीटर, मीटर और फुट दोनों की इजीली एक ही मेजरिंग टेप से लेंथ जो है वो डिफाइन मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये देखिए मेरे पास है ये मेजरिंग स्केल है, इस साइड पर वो सेंटीमीटर की लाइन शो कर रहा है, यानी अगर हमने सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करनी हो तो हम इस साइड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इसको इंच में मेजर करना हो किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, तो हम इस अदर साइड यूज़ करते हुए हम इंचेस में मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सेंटीमीटर और इंचेस में डिफरेंस देख रहे होंगे। सेंटीमीटर आपको मालूम लग रहा है, नज़र भी आ रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है और इंच जो है वो ग्रेटेस्ट यूनिट है। ठीक है, अब अगर आप इंच वाली साइड पर देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। 12 इंचेस को अगर हम 12 इंचेस मिलकर 1 फुट बनाते हैं, ठीक है, यानी हम इंचेस की ही की हेल्प से फुट जो है। जी स्टूडेंट्स, 12 इंच मेक 1 फुट, तो हमने इसकी हेल्प से सेंटीमीटर, इंच और फुट जो है वो मेजर कर सकते हैं इस मेजरिंग टेप की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ के लिए कौन से यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, यानी कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी लेंथ जो है हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। हाँ, और अगर हम 100 सेंटीमीटर कंबाइन करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 मीटर के। मीटर के लिए हम शो करते हैं एम, सेंटीमीटर के लिए हम यूज़ करते हैं cm, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर। जैसे आपने देखा 12 इंचेस मेक 1 फुट, 12 इंच आपने देखा मेक 1 फुट, इसी तरह 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हुई शॉर्ट लेंथ की। अगर हमने किसी लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए जो हमारा यूनिट यूज़ होगा वो है किलोमीटर। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम इतना बड़ा मेजरिंग स्केल कहाँ से लेकर आएंगे, अब इतनी बड़ी, इतना बड़ा डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो है 1 किलोमीटर। ओके, यहाँ हमने देखा था 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर। इफ 1000 मीटर को अगर कंबाइन करें तो वो बनता है 1 किलोमीटर। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने याद करना है, याद रखना है शॉर्ट लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ठीक है, और लॉन्ग लेंथ के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है किलोमीटर, और अगर मीडियम लेंथ है तो उसके लिए हम मीटर की लेंथ यूज़ कर सकते हैं, इंच की लेंथ, फुट की लेंथ, वो आपकी ऑब्जेक्ट के साइज के पर बेस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।